हे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं ऑटो एक्सपो, और आज 7 फरवरी और आज फ्राइडे। ऑटो एक्सपो का पहला दिन जिस दिन लोकल पब्लिक के लिए खुला रहेगा, 18 साल से कम के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे इंटरेस्ट है गाड़ियों के अंदर, पर मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ियों के बारे में। और इस बार देखने लायक होगा ऑटो एक्सपो, क्योंकि इस बार मतलब 70-80% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, जो कि आने वाला फ्यूचर है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, ना कि इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ आएंगी, वो हमारा फ्यूचर रहेगा। और जो मैंने टिकट ली है 750 की ली है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ बिजनेस आवर्स के अंदर, और जो क्या कहते हैं मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रहेगा वो रहेगा 350 में, जिसके अंदर कोई भी जा सकता है। आज 18 साल से कम के लोग बच्चे मतलब नहीं जा सकते हैं, आईडी कार्ड लेके जाना होगा। और इस वाले मैं क्या कहते हैं व्लॉग के अंदर मतलब ऐसा है कि मैं मजे ही आने वाले हैं, क्योंकि मैं इंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि मैं ये देखने जा रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी है, ये क्या है, कैसे। बस मैं इंजॉय करने के लिए आ रहा हूँ, छुट्टी है और छुट्टी का मजा लेना चाहिए। और कल है हमारे दिल्ली में इलेक्शन, देखो कौन जीतता है। आज के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ गोविंद, आप देख रहे हैं विजिट यू, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों के हालचाल, और मैं लगभग पहुंच गया। और सबसे बड़ी चूतियाबंदी सी ये रही कि क्या कहते हैं दिल्ली मेट्रो से चेंज करनी है एक्वा लाइन नोएडा मेट्रो के लिए, और वो बहुत लंबा सफ़र है इसके बीच में, और एक्वा लाइन का जो रास्ता है कम से कम मतलब आधे एक घंटे से ऊपर का है, और टाइम ज़्यादा लग जाता है, 40 रुपये वहाँ तो और 40 रुपये वहाँ तो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा है। और मेरा मानना है यार, अपना पर्सनल व्हीकल हो, दोस्त वगैरह हो, सारे इकट्ठे एक साथ आओ। और चलो मैं पहुँच तो गया ही हूँ लगभग। आखिरकार टिकट मिल गई है, टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर दी थी, बुक माई शो तो 750 के आसपास ही पड़ी थी। तो अब हम बिल्कुल मॉट के सामने हूँ, जो एरिया है। हो गई है और ये मेन गेट है एंट्री का, और एंट्री हो चुकी है लगभग, और हम बिल्कुल एंट्री गेट पे हैं और अंदर एंट्री करेंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऑटो एक्सपो 2020। इस टाइम ईवी व्हीकल्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे 20% के आसपास, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे फ्यूचर रहेगा। जर्मनी ने तो कह दिया 2030 तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला देंगे पूरी कंट्री के अंदर। देखो यहाँ पर कब तक रहता है। यही इसी अच्छा से, और ये मेन गेट है, इधर एंट्री करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी चेक इन वगैरह कराना पड़ेगा। बड़ी बेहतरीन व्हील सी बना रखी है अंदर ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंट्री तो बहुत अच्छी रही, खाली पड़ा है, ज़्यादा रश नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखो H9 जो है मॉडल है,
जो कि 7 सीटर गाड़ी है और बहुत ही अच्छी गाड़ी लग रही है देखने में। दो और JWM की Havells F70X जो कि देखने में रेड कलर में बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही लंबी गाड़ी आ रही है। मतलब ये 5 सीटर है और 5 सीटर के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है। इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताना अगर आपको नोन हो इसके बारे में। तो वन हुआ कंप्लीट और टू ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए इस बार अब, और जो कि एक तो है इनका R1 और एक है इनका IQ। IQ जो है वो ज़्यादा स्टाइलिश सा लग रहा है और R1 तो इसका ऐसा लग रहा है नकली सा, एकदम खिलौने की गाड़ी रखती हो। तो अब हम आ गए हैं हुंडई पे जो कि हॉल नंबर 2 के अंदर है और ये है हुंडई। और अब हुंडई के अंदर इन्होंने एक अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली गाड़ी लॉन्च की थी जो कि 25 लाख के आसपास थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल था जिसमें 450 किलोमीटर वन चार्ज पे चल रही थी हुंडई की। वो देखते हैं वो कहाँ खड़ी है क्योंकि उसी के लिए तो मैं आया हूँ कि कैसी है। टाटा की नेक्सॉन जो लॉन्च हुई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, और मेरे ख्याल से वैगनार इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पर आएगा, तो इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। हुंडई में देखने लायक चीज है मिनी वाइल प्रो, एक लग्जरी गाड़ी लग रही है देखने में पहले से। RM19 जो कि इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करने की सोची है इंडिया के अंदर, पर ये आएंगी नहीं इंडिया के अंदर, जो है जो मर्जी कर लेना जितना मर्जी लड़ लेना, ये दोनों गाड़ियाँ आनी ही नहीं। ये MG हेक्टर का हॉल नंबर 5 में लगा हुआ है और MG हेक्टर है वैसे चाइना की, इन्होंने बहुत गाड़ियाँ लॉन्च करी इस बार इन्होंने इंडिया के अंदर, देखो और बिकी भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स पे बिके हैं MG हेक्टर। और MG हेक्टर में सबसे पहले ये दिखाए जाते हैं आपको, इस पर तो सिर्फ हेक्टर ही लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं। MG हेक्टर की एक और G10 जो कि है 10 सीटर जो कि इनके बंदों ने बताई है, पता नहीं रियलिटी कितने सीटर्स की है, और दिख तो ये एकदम ज़बरदस्त रही है मेरे को, बड़ी सी लंबी चौड़ी सी, अगर गली में गुजर जाओ या रोड पे गुजर जाओ तो देखते रहेंगे सब आपको। ज़बरदस्त पावर हेक्टर की इलेक्ट्रिक व्हीकल है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल देख चुके हैं इस बार उन्होंने सही से। ये 2 सीटर सर, छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है।
ये बहुत अच्छी है।